हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य मैथ पे। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट का दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला तो डिटरमिनेंट को एवेल्यूट करने के लिए, दूसरा हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर तक देखे थे। अब प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट्स का दो टॉपिक बचा हुआ है, एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और एक एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो भी अभी नए हैं इस पास्ट पार्ट को देख रहे हैं, वो पहले दो पार्ट देख लीजिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो भी चीज़ बताऊंगा पूरा चैप्टर का होगा। तो अगर आप बीच तक में छोड़ दोगे तो फिर कंप्लीट आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिटरमिनेंट का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ज़रा इस पर ध्यान रखना है आप लोगों को, कि फिर क्वेश्चन सब भी करवाना है। तो जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो जनरल भाषा में सोचो, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट का कहाँ कहाँ यूज करना है, प्रयोग करना है, वही हुआ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। किसी का एप्लीकेशन पढ़ने का मतलब हुआ उसका यूज करना, वो लागू करना, प्रयोग करना, कहाँ कहाँ हम उसका यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से अब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बच्चों हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर में डिटरमिनेंट का तीन जगह इस्तेमाल करेंगे। कितने जगह? तीन जगह। अगर यही हम लोग वेक्टर क्लास में जाएंगे तो वहां भी यूज करेंगे, बट अभी की बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट का तीन यूज होगा। तो कहोगे सर क्या क्या? पहला, कोई भी अगर ट्रायंगल है, कोई भी अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया है, तीनों शीर्ष बिंदु दिया है, तो उस ट्रायंगल का यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बता सकते हो। क्या बोला मैं? अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, तो उस ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल बता सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर थ्री पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो, थ्री पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो, तो उसको क्या कहते हैं तुम लोग? कॉलिनियर, जो हिंदी पढ़े होगे सरेखित। तो अगर वो कॉलिनियर है या नहीं है वो भी तुम बतला सकते हो डिटरमिनेंट से। और तीसरी बात रह जाती है हम लोगों को कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और वो दो पॉइंट से पास करता है, कितने पॉइंट से? दो पॉइंट से, तो तुम उसका इक्वेशन यानी समीकरण बता सकते। तो चलो हम लोग एक एक करके तीनों चीज पढ़ते हैं। पहला लिखना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो हिंदी पढ़ते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो अगर कोई भी ट्रायंगल मान लो ये है, जिसका वर्टिसेस या वर्टाइसेस x1 y1 है, दूसरा वर्टेक्स x2 y2 है और तीसरा वर्टेक्स x3 y3 है। पहला क्या बोला? x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। किसी भी ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स हो और इसका एरिया यानी क्षेत्रफल पूछे तुमसे, तो तुम डिटरमिनेंट की सहायता से निकाल सकते हो। तो मन में आ गया सर कैसे निकालेंगे? चलो देखो, तो एरिया इक्वल होगा हाफ मॉड, हाफ मॉड, मॉड मतलब अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा और कोई मतलब नहीं। हाफ मॉड एक डिटरमिनेंट, पहला कॉलम में एक वन 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 रखना है, पहला कॉलम में क्या रखना है? वन 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 हमेशा। अभी हम इसको नहीं देखे हैं लेकिन वहां वन 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 लिख दिए, तो हमेशा यहां क्या लिखना है? वन वन वन। उसके बाद पहला वर्टेक्स एक्स वन वाई वन है तो यहां लिखना है एक्स वन और वाई वन, फिर दूसरा है एक्स टू वाई टू तो यहां लिखना है एक्स टू वाई टू, तीसरा है एक्स थ्री वाई थ्री तो यहां लिखना है एक्स थ्री वाई थ्री। इसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड यानी खोल लोगे, एवेल्यूट कर लोगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वही इस ट्रायंगल का एरिया कहलाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर किसी ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स हो और उसका एरिया निकालना हो डिटरमिनेंट के मदद से, तो डिटरमिनेंट में क्या करना है? हाफ पहले, फिर मॉड लेना है। निश्चिंत रहो, मॉड तभी काम करेगा ना जब निगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो मॉड याद रखना लेंगे। उसके बाद डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का लेना है? थ्री ऑर्डर का।
पहला कॉलम में 111 रखना है और उसके बाद वर्टेक्स लिख देना है तीनों, और उसको एक्सपेंड यानी खोल देंगे, जो भी वैल्यूज आएगा वही हम लोगों का क्या होगा एरिया। तो चलो एक क्वेश्चन दिखाते हैं, इससे जो रिलेटेड है ना दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पहले हम दोनों क्वेश्चंस बनवाते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलिनियर वाले टॉपिक के पास चलेंगे। तो लिखना क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन में लिखना फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल होज वर्टिसेस आर 2-3 5 7 -3 8। तो जो हिंदी जानते हो थोड़ा सा देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, हुज वर्टिसेस आर, जिसका शीर्ष बिंदु है ये सब। तो अगर इसका एरिया निकालना है बच्चों, तो अभी हम लोग पढ़े एरिया बराबर, दो सेकेंड, एरिया बराबर हाफ मॉड, पहला कॉलम में 111। चलो फिगर भी तुम लोग बना लेना। तो पहला वर्टेक्स क्या दिए हैं 2-3, दूसरा वर्टेक्स क्या दिए हैं 5-7, और तीसरा वर्टेक्स क्या दिए हैं -3.8। तो एरिया मतलब पहला 111, उसके बाद पहला वर्टेक्स 2-3, फिर दूसरा 5-7, फिर तीसरा -3.8। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये पॉइंट उल्टा नहीं दे सकते हैं क्या? दे सकते हो, अगर तुम यहीं से शुरुआत करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से शुरुआत कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है, तब तक तुम लोग एक्सपेंड करो वीडियो पॉज करके। हाफ ये मॉड को यहीं पे छोड़ देते हैं, माइनस आएगा तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो वन से एक्सपेंड, नहीं तो लिखोगे तो लिख दो मॉड, वन से एक्सपेंड करोगे, वन से एक्सपेंड करोगे, एक का कॉलम बंद रो बंद, 8 × 5 = 40, -7 = 21। फिर -2 के पास जाओगे, रो बंद कॉलम बंद, 8 × 1 = 8, 1 × 7 = 7। फिर -3 के पास आओगे, -3 का रो कॉलम बंद, -3, 5 × 1 = 5, 8 × 5 = 40, -+7 = 21। 2 से एक्सपेंड करोगे 8 × 1 = 8 - 7, सॉरी, ठीक है यहां तक। अब इसको ठीक कर लो, ये हो गया 61, -2 + 24, -61 = 24 = 85, -2 = 83। अब मॉड कोई फायदा नहीं करेगा, प्लस आ गया ना, प्लस पे मॉड डाल के कोई फायदा नहीं, तो यानी हो गया 83/2 कितना हो गया बच्चों 41.5 स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल यानी एरिया जब भी बोलते हो क्या बोलते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर दिया करेंगे। तो देखें इस तरह से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट से, कितना आसानी से एक दो स्टेप में ही खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 20 square units and vertices are
टू माइनस थ्री के जीरो नाइन टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई ट्रायंगल है जिसका ये तीन वर्टाइसेस दिया है और उसका क्षेत्रफल यानी एरिया भी दिया है, और हम लोगों को यहां से उसके जो दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू पता करना है। यानी वर्टेक्स जो है वो है टू माइनस थ्री और फिर है के जीरो और दूसरा है नाइन टू। तो कुछ भी नहीं करना है, आसानी से बन जाएगा। एरिया इक्वल कितना दिया है बच्चों, 20। अब ध्यान रखना, जब भी किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे, किसी वेरिएबल यानी चर राशि का, और एरिया अगर तुमको दे दे तो तुम दोनों लो, प्लस भी लो माइनस भी लो, 20 नहीं यहां प्लस माइनस 20 लगे। अब कहोगे सर ऐसा क्यों करवा रहे आप, मॉड के कारण। एक बात बताओ, वो मॉड लिया होगा उसको प्लस आया होगा कि माइनस, तुमको पता है नहीं ना, तो दोनों सिचुएशन लोगे। तो एरिया आज 20 नहीं, क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस माइनस 20। इसको दो तरह से सोच लो, जब हम लोग एरिया देंगे तो प्लस देंगे, जब वो बुक वाला एरिया देगा तो प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, खाली इतना, बुक वाला देगा प्लस माइनस लेंगे, जब हम लोग देंगे सिर्फ प्लस देंगे। तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला पड़े हाफ, अब मॉड नहीं डालेंगे, मॉड प्लस माइनस कर दिए, मॉड डालने कोई फायदा नहीं। वन 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 पहला वर्टेक्स टू माइनस थ्री, दूसरा के जीरो और फिर नाइन टू बराबर प्लस माइनस 20। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इतना तक, मिटा रहे हम। तो हाफ एक्सपेंड करते हैं। देखो एक फायदा होगा, अगर हम यहां से एक्सपेंड करें तो जीरो एक टू है तो समय बच जाएगा। इधर से करेंगे तीनों से, इधर से करेंगे तीनों से, इधर से करेंगे तीनों से, लेकिन इधर से दो एक से माइनस थ्री से और दो से जीरो गुना कुछ भी क्या होगा, जीरो, तो इसलिए इधर से एक्सपेंड कर रहे। तो माइनस थ्री, माइनस थ्री का रो बंद कॉलम बंद, नौ गुना एक नौ, वन गुना के नाइन माइनस के, जीरो से करोगे कोई फायदा नहीं है, जीरो इंटू कुछ भी आएगा खत्म। बेहतर है कि लिखेंगे ही नहीं, अभी हम लिख दिए बट आगे नहीं लिखेंगे। अब प्लस टू, बात समझ में आया, खाली क्यों रखे, कुछ भी आएगा जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा, जीरो, तो कुछ को लिखाओ ही नहीं और एग्जाम में भी नहीं लिखना है, लिखना ही नहीं है स्टेप, लिख दिए तुम लोग का। टू है, टू का कॉलम बंद रो वन, के इंटू वन के माइनस टू, और ये है प्लस माइनस 20 के बराबर। एक बटे दो माइनस 27 प्लस 3 के ये खत्म, प्लस 2 के माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 20। हाफ 5 के माइनस 31 प्लस माइनस 20, तो 5 के माइनस 31 बराबर 2 से गुना कर दो प्लस माइनस 40। 5 के माइनस 31 बराबर, एक बार प्लस 40 ले लो, एक बार 5 के माइनस 31 बराबर माइनस 40 ले लो, तो 5 के बराबर हो जाएगा 71, तो के बराबर 71/5, और यहाँ 5 के बराबर 31 माइनस 40 माइनस 9, तो के बराबर -9/5। तो इस तरह से के का दो वैल्यू मिला, एक 71/5 और एक -9/5। दो वैल्यूज क्यों आया, थोड़ा समझोगे इसके बारे में। एक बात बताओ, तुमको कोई दे दे दो चार नंबर और चार नंबर का सम आ गया 20, तो क्या दुनिया में और कोई चार नंबर नहीं है जिसका सम 20 हो, होगा कि नहीं। तो वही सेंस यहां भी है, आखिर ये एरिया क्या है, प्लस माइनस, तो दोनों वैल्यू रखने पर आखिर एरिया वही 20 आता होगा, तो दोनों संभव होगा ना। तो यहाँ पे ये बात समझना है, जब हम लोग एरिया देंगे तो ओनली पॉजिटिव,
जब बुक वाला एरिया देगा प्लस माइनस दोनों, तो एरिया से रिलेटेड ये दो टाइप का क्वेश्चन होगा, कर लेना। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना, चलते आप नेक्स्ट वीडियोस। टू में लिखना कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, यानी संरेखी का शर्त। तो कॉलिनियर यानी संरेखी क्या होता है? जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाए करे, एक ही लाइन पे आ जाए, तो उसी को हम लोग कॉलिनियर कहते हैं। लेकिन यहां पे तीन से ज्यादा पॉइंट का बात नहीं होगा, वो तीन ही पॉइंट का बात होगा। तो जैसे मान लो तीन पॉइंट्स है, पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो तो फिर इसको कॉलिनियर बोलेंगे। तो चलो यहां पे आके क्या फॉर्मूला आना चाहिए वो देखते हैं। जरा एक बात बताओ, अगर हम लोग साइकिल से अपने घर से मार्केट जाते हैं सपोज, तो कितना एरिया कवर करते हैं? तो कहोगे सर एरिया 5 किलोमीटर। तो एरिया 5 किलोमीटर नहीं, तुम लेंथ कवर करते हो, दूरी तय करते हो, ना कि एरिया कवर करते हो। तो अगर किसी लाइन पे जा रहे होते हैं तो उसका चौड़ाई तो जीरो, ब्रेथ तो जीरो है ना, लंबाई सिर्फ है। तो जरा बताओ अगर किसी भी लाइन का सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, तो लाइन का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, जो भी हुआ। तो बी तुम्हारा जीरो, एल इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। तो क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो। तो अरे बहुत आसान बात आया कि अगर कॉलिनियर का शर्त निकालना है तो क्षेत्रफल जीरो करा दो। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी तुम पढ़ा, मतलब हाफ डिटरमिनेंट 1 1 1, पहला एक्स वन वाई वन, दूसरा एक्स टू वाई टू और तीसरा एक्स थ्री वाई थ्री, और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो। अगर जीरो आएगा तो यस कॉलिनियर है, अगर जीरो नहीं आया तो कॉलिनियर नहीं है। अब एक और बात बताओ, ये हाफ रह के ही क्या करेगा? अगर ये जीरो आ ही जाएगा तो हाफ भी तो जीरो ही करवा देगा, यानी हाफ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मतलब अगर कॉलिनियर हो तीनों पॉइंट्स तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। और अगर जीरो नहीं आया तो कॉलिनियर नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? एरिया का ही फॉर्मूला है, जीरो करवा दिया। क्यों करवाया? कोई भी लाइन का एरिया नहीं हो सकता, क्षेत्रफल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई लेंथ है, ब्रेथ यानी चौड़ाई है ही नहीं। और एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, तो जीरो ही हो जाएगा। ऐसे भी एग्जाम्पल दिए, घर से तुम मार्केट जाते हो साइकिल से, तो दूरी तय करते हो ना, क्षेत्रफल तय करके। तो कहते हो कभी हम 100 किलोमीटर स्क्वायर से आ रहे, बोले तो वैसा कभी 100 किलोमीटर से आए, तो इसीलिए बचो। तो चलो जरा इस पे भी देखते, इस पे भी दो क्वेश्चन होता है, दोनों क्वेश्चन देखते। आर 2 - 3 - 4 + 6 10 - 15 कॉलिनियर और न क्वेश्चन मार्क। पूछ रहे हैं क्या ये तीनों पॉइंट्स, तीनों बिंदु कॉलिनियर है या नहीं। तो कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करो। अगर जीरो आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, यानी जीरो आ गया तो कॉलिनियर होगा, नहीं आगा तो नहीं होगा। तो जरा देखो, पहला हो गया 2 - 3, दूसरा हो गया -4, 6 और तीसरा हो गया 10, -15। तो अगर कॉलिनियर है या नहीं है तो डिटरमिनेंट काफी है, 1 1 1, 2 - 3 पहला पॉइंट, दूसरा -4, 6 तीसरा 10, -15। अब इसको बराबर जीरो मत कर दो, तुमसे पूछा जा रहा है ना कॉलिनियर है या नहीं है, तो तुम वैल्यू निकालोगे ना।
तुम ही जीरो के बराबर कर दोगे तो इसका मतलब तुम सोचिए लिए हो कि होगा, ऐसा थोड़ी पूछा जा। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, अगर जीरो आएगा तब यस। तो जरा देखते हैं, तो वन से एक्सपेंड करोगे तो वन का कॉलम वो बंद, प्लस 60 माइनस 10 गुना 6 माइनस 60, फिर माइनस 2 आ गए कॉलम वो बंद, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 3 के पास आ गए, प्लस 10 प्लस 4 60 खत्म, 15 6 21 गुना 2 प्लस 42, 10 4 14 3 42 माइनस 42 प्लस 42 जीरो, यस तीनों कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर में पहला क्वेश्चन यही होगा, तुमसे पूछा जाएगा कॉलिनियर है या नहीं, पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों दूसरे टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ बोला जा रहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो तो के का वैल्यू बताए क्या होगा, जैसा कि अभी एरिया में देखें। तो पहला पॉइंट क्या है 2 माइनस 3, दूसरा है k कोमा 6, तीसरा है 10 और 7, और ये कॉलिनियर है तो k का वैल्यू निकालना है। तो 1 1 1 2 माइनस 3 k 6 और 10 7। आज जीरो लाना नहीं, करना है, जबरदस्ती करना है। क्यों? बोल दिया है ना कि कॉलिनियर है ऐसा है, आपको नहीं दिखाना है। तो अगर जीरो कॉलिनियर है यानी ये किसके बराबर होगा, गारंटी जीरो के बराबर। अब इसको एक्सपेंड कर लो, के का वैल्यू आ जाएगा 1 7 के माइनस 60 माइनस 2 7 माइनस 6 माइनस 3 10 माइनस के बराबर जीरो। तो 7 के माइनस 60, 7 में से 6 के 1 माइनस 2 माइनस 30 प्लस 3 के बराबर जीरो। 7 3 10 के दिख रहा होगा, 7 3 10 के 30 32 92, तो k बराबर 92 बटे 10, तो 46 बटे 5 आंसर। तो इस तरह से तुम कॉलिनियर का भी दो क्वेश्चंस बना लिए, बना सकते हो इस तरह से। अब चलते हैं तीसरा टाइप, इसका क्या है तीसरा टाइप, मतलब क्वेश्चन का नहीं। पहला क्या पढ़े एरिया, दूसरा कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, तीसरा क्या पढ़ रहे जरा देख लो, पॉज करके नोट कर लो। रुक जाओ स्टूडेंट्स, तीसरा से पहले क्वेश्चन बना रहे हैं, हमको मन कर रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुतों बार दिया है, तो चलो हम बना ही देते हैं। लिखना, इफ ए जीरो जीरो बी एंड एक्स वाई हटा लो, एम एन आर कॉलिनियर देन प्रूव दैट एम बाय ए प्लस एन बाय बी बराबर वन। ये हर बार सीबीएसई का स्टेट बोर्ड का सैंपल पेपर में देता है, तो इसीलिए जरा इस क्वेश्चन पे नजर रखना। यहां पे बार बार चेंज करता है, जैसे हम एम एन दिए बुक में एक्स वाई देगा, कोई पी क्यू देगा, तो बात तो वही हो गया ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो। जरा बताना अगर कॉलिनियर है तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो वन 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 ए जीरो जीरो बी एम एन किसके बराबर, जीरो के बराबर होगा गारंटी। आज गारंटी जीरो के बराबर होगा क्योंकि बोल रहा है कि कॉलिनियर है। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, मिटा दो, एक्सपेंड करते हैं वन से,
एन इंटू जीरो जीरो माइनस एम बी, जीरो माइनस एम बी माइनस ए, एन इंटू वन एन माइनस बी बराबर जीरो। ध्यान दिया, वन से एक्सपेंड किए, ए से किए, जब इससे जीरो होगा तो करेंगे क्यों, तो लिखना ही नहीं है, ये जीरो बराबर में था बराबर दे दिया। माइनस एम बी माइनस ए एन प्लस ए बी। अब जरा बताना यहाँ पे माइनस एम बी माइनस एन ए बराबर माइनस ए बी लिख सकते हैं, प्लस ए बी उधर ले रहा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एम बी प्लस एन ए बराबर माइनस ए बी, देश देश खत्म, एम बी प्लस एन ए बराबर ए बी। अब यहाँ पे आके मैक्सिमम बच्चा फंस ही जाता है, सोचता है मेरा प्रूफ नहीं हुआ, सवाल गलत कर दिए। नहीं नहीं तुम सही हो, अभी तक तुमको प्रूफ जो करना था वो आ जाएगा। तुम्हारे प्रूफ के राइट साइड में क्या था, वन, और हम लोग के प्रूफ के राइट साइड में क्या है, ए बी, तो ए बी से भागा दे दो ताकि ए बी बाय ए बी क्या हो जाए, वन। तो डिवाइडिंग ए बी, अब जब डिवाइड करोगे तो एक साइड तो करोगे नहीं, दोनों साइड ना, तो एम बी बाय ए बी, एन ए बाय ए बी, ए बी बाय ए बी, बी से बी खत्म, एम बाय ए, ए से खत्म, एन बाय बी, और द टोटल खत्म, वन। यही प्रूफ करना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा नजर में रखना, हर बार देता है, ठीक है, थोड़ा सा इस पर नजर रखना, कुछ भी नहीं है, खाली ये डिवाइड करना याद रखना, यही भूल जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट। चलो अब थर्ड टॉपिक चलते हैं। लिखना थ्री नंबर में इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड पी क्यू। कोई स्ट्रेट लाइन है और ये दो पॉइंट से पास करता है, एक ए बी से और दूसरा पी क्यू से, तो इसका इक्वेशन बताना है, समीकरण बताना है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक ए बी है और इसका पी क्यू है, और तुमसे कोई इसका इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तुमको ये दोनों पॉइंट्स देगा, हर हाल में देगा, तभी पूछेगा, ऐसे नहीं। तो सिंपल है, इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या इसमें कोई एक्स वाई दिख रहा है तुमको, नहीं ना। इक्वेशन कब कहलाता है, जब उसमें क्या हो, एक्स वाई। अब एक्स वाई दिया ही नहीं, इक्वेशन पूछा जा रहा, तो एक्स वाई देगा नहीं, ये तुमको लिखना है अपने से, क्यों, एक्स वाई यूनिवर्सल थिंग है, तुम एक्स वाई बोलोगे तो हम भी बोलेंगे, कोई और भी बोलेगा, तो इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। जब भी किसी भी फिगर का इक्वेशन लाओगे, किताब वाला कभी एक्स वाई नहीं देगा, वो तुमको हर वक्त मानना है, इसको वेरिएबल पॉइंट कहते हैं। तो कहोगे सर एक्स वाई कहाँ माने, तुम्हारी मर्जी, इस लाइन पे कहीं मान लो, जैसे पी एक्स वाई मान लिए, फिर बात समझो, किताब वाला कभी, बुक वाला कभी, क्वेश्चन वाला कभी एक्स वाई नहीं देगा, ये मानना है। अगर ये नहीं हुआ तो इक्वेशन कहां से, तुम ये बताओ, अगर कोई बोले 2 प्लस 3 बराबर 5, क्या इक्वेशन कहोगे इसको, समीकरण कहोगे इसको, नहीं ना। लेकिन अगर जैसे एक्स वाई डालेंगे तो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो जब बात का ध्यान रखना कि जब भी इक्वेशन लाना हो किसी भी फिगर का, उसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हम लोग खुद मानेंगे एक्स वाई, अगर 2D है तो अब देखो जरा, अगर हम लोग एक्स वाई माने तो टोटल कितना पॉइंट्स हो गया, तीन, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है या नहीं है, तो बोलो ये तीनों कॉलिनियर होगा या नहीं होगा, कॉलिनियर होगा तो बोलो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा, मतलब 1 1 1 पहला पॉइंट ए बी, दूसरा पी क्यू, तीसरा एक्स वाई, बराबर गारंटी कितना, जीरो। इसको एक्सप्लेन कर लेना, जो भी आएगा आंसर, बात समझ में आया। यही था हम लोगों को इक्वेशन ऑफ ए लाइन। चलो इसका एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो दिखा देते हैं।
मिटा देते हैं। लिखना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू माइनस थ्री एंड फाइव जीरो। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, ऐसे सरल रेखा का समीकरण बताना है जिस जो पास करता है 2 माइनस थ्री से और 5.0 से, जो किससे होकर गुजरता है 2 माइनस थ्री और 5.0 से। तो कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट बनाना है, 1 1 1 देना है, पहला पॉइंट 2 माइनस थ्री, दूसरा 5.0, तीसरा है एक्स वाई बराबर 0 कर देना है, इसको एक्सपेंड कर लो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं, इधर से करें ना क्योंकि जीरो है, माइनस थ्री रो बंद कॉलम बंद एक्स इंटू वन एक्स माइनस फाइव, जीरो से करने का कोई फायदा नहीं, प्लस वाई, वाई का कॉलम बंद रो बंद, पांच गुना एक पांच माइनस दो गुना एक दो बराबर जीरो, माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन, पांच में से दो गया तीन वाई, तो बाबू यहां पे हो गया तीन कॉमन है क्या है, माइनस एक्स प्लस पांच प्लस वाई बराबर जीरो, तीन जीरो की ओर जाएगा खत्म, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस पांच बराबर जीरो, ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया। अब कोई माइनस कॉमन लेकर उधर भेज देगा, ये सब करते रहो, सब कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में तीन चीज पढ़े, क्या क्या पढ़े, किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, दो क्वेश्चन कॉलिनियर दिखा सकते हैं, के का वैल्यू निकाल सकते हैं, दो सवाल और एक इक्वेशन। तो इस तरह से एप्लीकेशन, बस ये तीनों चीज था स्टूडेंट्स। तो आप लोग को करना क्या है, अगर एनसीईआरटी बुक है तो एक्सरसाइज 4.3 टोटल क्वेश्चन बना लेना है, अगर केसी सिन्हा बुक है तो एक्सरसाइज 6.2 या कोई और बुक है तो देख लेना, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट उसी टॉपिक में होगा कहीं पे, वो बना लेना। तो आसानी से तुम्हारा ये तीनों थॉट याद रखना, सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं अच्छे से हम समझा पाए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अब एक ही टॉपिक हम लोग का बचा है डिटर्मिनेंट का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन स्टूडेंट्स वही मेन है, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज हो रहा था जिसको हम बता रहे थे अभी तक, वो मेन चीज है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस 40-50 मिलेंगे, एक दो नहीं तो वो, और एक एक क्वेश्चंस में अगर अच्छा क्वेश्चन रहा तो हमको समझाते हुए 15 मिनट लगेगा, समझ सकते हैं। तो इसीलिए उसमें ज्यादा पार्ट होगा, हमको लगता है 7-8 पार्ट तो उसी में हो जाएगा क्वेश्चन का टाइप बताते बताते। तो इसलिए आज तक का यहाँ तक काम क्लियर कर लेना, अलजेब्रा का आशा करते हैं फॉर्मूला भी याद कर लिए होंगे, और रखना नहीं तो कल से प्रॉब्लम होगा, नो डाउट, हम पहले बोल देते हैं। तो चलो आज यहीं तक, लाइक करना सभी वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब करवाओ किसी और से, शेयर कर करके, ठीक है, चलो इतना करो, बाय।